इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क्स, ठीक है। तो टॉर्क्स आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। जैसे फोर्सेस का था, वहां पे बस फोर्सेस की जगह टॉर्क्स आ गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीज। अब क्या है कंडीशन, बेसिकली है क्या, टॉर्क का समेशन जीरो होनी चाहिए। तो उसको प्रैक्टिकली देखें वो क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट है उसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हो, ऐसे इस फोर्स इससे ही इस तरह रोटेट करेगा ना। इसे फॉर एग्जांपल एफ वन कह लो और ये माइनस एफ वन या एफ टू जो भी समझ लो, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहा है और ये वाला जो है ये क्या डायरेक्शन में, इस तरह के डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहा है। तो उससे क्या होगा, एक टॉर्क ऐसे आई और एक टॉर्क ऐसे गई। अगर दोनों इक्वल हैं तो इट विल नॉट रोटेट। अगर आप अपने हाथ में भी कोई चीज, एक पेन पकड़े, आप उसके कैप वाली साइड, एक स्ट्रेट पेन है ऊपर की तरफ उसका कैप है, ठीक है। अगर आप कैप से नीचे की तरफ प्रेस करें को, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करें और नीचे वाले हिस्से को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करें, मीन्स दोनों इवेंचुअली मूव तो क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं क्योंकि आपने माइनस साइन भी लगा दिया है, खैर। तो गेटिंग टू द पॉइंट, तो उसमें यह है ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फोर्सेस लगाएंगे इट विल नॉट रोटेट। तो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, रोटेशनल मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर चीजें रोटेट ना करें दैट मीन्स के क्या हो रहा है, एक टॉर्क के रिस्पेक्ट से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो बेसिकली ये डायग्राम थोड़ी सी ट्रिकी है समझने में कि आप समझोगे सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं। बस उसमें ये है कि एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इस केस में ये डायग्राम बुक की है, तो मैंने कोई और भी चूज़ कर सकता लेकिन मैंने यही की क्योंकि इसमें थोड़ी ट्रिक है। उसमें ये है कि यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज माइनस है नॉट एफ। एक तो आपने डायरेक्शन रिवर्स किया, देन आपने क्या किया उसकी साइन भी रिवर्स कर दी है। तो समझ नहीं लग रही कि इस डायरेक्शन में माइनस एफ की फोर्स लगानी है कि यहाँ माइनस एफ लगी हुई है वो शो कर रहे हैं। तो इस तरह की कन्फ्यूजन है। तो आप इसकी जगह ये वाली एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बीम है, ठीक है। इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर के। तो आप ना यहाँ पे क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो एफ वन। इससे होगा क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा एफ, ठीक है। और लेकिन अगर आप क्या करो, एक फोर्स लो जो के क्या करे इसे इस डायरेक्शन में भी क्या करे, नीचे पुश करे, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा इस साइड से। तो ये और ये फोर्सेस क्या हो रही हैं, एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रही। तो अगर एफ वन और एफ टू दोनों बराबर होंगी ना तो बीम रोटेट नहीं करेगा। इसे कहेंगे टॉर्क के रिस्पेक्ट से इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। उसी सेम सिचुएशन ही इधर है लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो साइन की वजह से कन्फ्यूजन है लेकिन डायग्राम वही बनेगी। तो खैर आप ये वाली एग्जांपल से समझ लें कि एक फोर्स इधर लग रही है तो ऊपर से मूव करवाना चाह रही है, किधर लग रही है तो नीचे वाली साइड से ऐसे मूव करवाना चाह रही है, तो रोटेशन नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें यह है कि ये जो फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट वाला ये वाली सेक्शन है ये एमसीक्यूज में आ सकता है। जब आप एंट्रेंस टेस्ट होगे उसमें काफी ज्यादा यूज होता है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब सेटिस्फाई होती है मींस कि जब समेशन ऑफ एफ जीरो होता है, फोर्सेस नहीं लग रही होती बस, तो उससे क्या होता है कि आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होते और देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, आपकी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है तो नो एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट,
सेकंड कंडीशन है क्या, समेशन ऑफ टॉर्क जीरो, नो एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, पहले में ट्रांसलेशन इसमें रोटेशनल। अब ये वाले जो है ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि और डेफिनेशन भी आती है व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम और व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो मेरा ख्याल नेक्स्ट वाले में है, तो ये एमसीक्यूज के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, मीनिंग दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। अब ये जो चीज थी मैं कह रहा था ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये एग्जाम्पल और वो आती है उसके तौर पे, क्या नाम है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ये आपको केमिस्ट्री में भी शायद आए, तो उसमें यह है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कोई एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो अब बिल्डिंग को में कोई मोशन नहीं होती एक्चुअली, ठीक है, तो एक रेस्ट पे खड़ी है बिल्डिंग, तो हम क्या कहेंगे कि बिल्डिंग एक इक्विलिब्रियम में है, लेकिन किस टाइप के इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वाई, क्योंकि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इट डस नॉट मूव, तो इस पर कोई फोर्सेस वगैरह एक्ट नहीं करी, तो ये एक पार्ट तरह का स्टैटिक इक्विलिब्रियम बन गया। इसी इसी की कोई एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि एक बुक है वो पड़ी है टेबल पे, सारी फोर्सेस उस पे इस टेबल पे इस तरह है, ये टेबल है और उस पे किस तरह बुक पड़ी है या बॉक्स पड़ा है, अब उसका वेट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, दोनों बैलेंस्ड हैं, ठीक है, बॉक्स नहीं मूव कर रहा, तो इसे क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब व्हाट इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसे कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी अगर आप कॉन्सेप्ट के तौर पर समझना चाहते हो किसी एग्जाम्पल से, तो उसमें ये होता है कि जब एक फॉर एग्जाम्पल पैराशूट के साथ आदमी नीचे गिर रहा होता है, ठीक है, उसको एक टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गिरता है फिर नीचे ना, तो जब एक चीज़ बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऐसे चल रही है, मीन्स उसकी स्टेट में ऐसे चेंज नहीं होता, उसकी स्टेट अब वो एक यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट है वो एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो हम कहेंगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ऑल्दो उसकी पोजिशन चेंज हो रही है बट उसकी एक मोशन की स्टेट नहीं चेंज हो रही, ठीक है, कोई ये नहीं हो रहा, एक्सलरेट हो रही है, रुक रही है, चल रही है, ठीक है, तो वो होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। मूविंग ऑन, अब ये है एग्जाम्पल, एक दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि जितना ये मुश्किल लगती है उतनी ही ये शॉर्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसने कहा अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ 200 न्यूटन, यानी जो ये बीम है ये वाली, ये इसका वेट कितना है, 200 न्यूटन, सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली है, इफ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रोप, रोप कौन सी आ गई, ये वाली रोप, राइट, ये जो रोप है ये मैक्सिमम कितना वेट बियर कर सकती है, 400 न्यूटन। उसने कहा है कि हम अ मैन ऑफ वेट 400 न्यूटन वर्क फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, मीन्स ये कि अब कुछ अगर आप ऑब्वियस देखें इसे एक सेकंड में सॉल्व करना चाहिए, आप कहेंगे रोप 400 से ब्रेक करती है, मैन भी 400 का है, ये तो चल ही नहीं सकता, ये तो ब्रेक कर गया 400, ठीक है, तो इस तरह नहीं होता, ठीक है, तो ये जो टॉर्क्स वाले प्रॉब्लम है इनमें आपको एक्चुअली प्रूव करना पड़ता है, मैथ से जब आप सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा ये इतनी इजी क्वेश्चन नहीं, ठीक है, तो होगा क्या, सबसे बेसिक पॉइंट होता है कि जब भी आपको पास इस तरह का डिटेल प्रॉब्लम हो, एक सिनेरियो हो, तो उसकी आपने प्री बॉडी डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब प्री बॉडी डायग्राम हमने क्या किया, वैसे ही एक डायग्राम बना दी फिर फ्री बॉडी डायग्राम की तरह, लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं होती, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहला जो पॉइंट है कि इसका जो वेट है पूरा बीम का वो कहाँ एक्ट करेगा, हमने कहा सेंट्रल पॉइंट से, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है,
इसके डाउन एक्ट करेगा कितना, 200 न्यूटन जो इसका वेट है, ठीक है। और ये क्या है, इसके बिल्कुल मिड में है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस बना, 300, और 3 मीटर क्योंकि 6 है टोटल, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक क्या बना, 3 मीटर। फिर अब हम फर्ज कर लेते हैं कि मैन जो है वो कोई डी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो मैन अब कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, डी। और वो फोर्स कितने नीचे को लगा रहा है, 400 न्यूटन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली टॉर्क कैलकुलेट करनी है जो कि क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है। नीचे वाली हमेशा क्लॉकवाइज होंगी, ऊपर वाली हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होंगी, और इनका जो सम होगा वो जीरो होगा, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक देखो, इसको इग्नोर करो, अभी यहाँ तक देखो, माइनस 400 की फोर्स है, ठीक है, नीचे की तरफ लग रही है, और उसका मोमेंट आर्म कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। अब ये बेसिकली स्नैरियो इस तरह है कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे है, पी यहाँ पे है जहाँ पे मैन खड़ा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, और यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड्स कितनी लग रही है, 400 न्यूटन। तो टोर कितने लिखने हैं, डी क्रॉस 400, ठीक है, डी क्रॉस है तो ठीक है, वही हमने निकाल दिया, ठीक। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्रॉस की जगह आप सिर्फ इसे नंबर समझ के कर लो, तो 400 डी, ये आ गया क्या, नीचे की तरफ एक आ। सेकंड क्या बनती है, वो ये बनती है कि जो ये बीम है ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो वो क्या है, ए से 3 मीटर दूर बीम क्या है कर रही है, नीचे वेट लगा रही है 200 न्यूटन का। तो 2 × 3 200, टू मल्टी इस एक्चुअली 3, तो 3 × 200, ये टोर्क आ गई किसकी वजह से, बीम की वजह से, और 400 × d वो किसकी वजह से आ गई, मैन की वजह से, ये आ गई 600। अब ये दोनों क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ भी एक टॉर्क एग्जिस्ट करती है, कितने डिस्टेंस पे, ए से 6 मीटर दूर अप डायरेक्शन में 400 न्यूटन, ये क्या है, रोप में टेंशन है, ठीक है, मैक्सिमम जितनी आ सकती है। तो क्या होगा, ये कितनी बन गई, 6 × 4 2400। अब मसला आना है कि हमने ऐड तो ये तीनों टॉर्क सी करनी है क्योंकि टोटल लग ही तीन रही थी, अब प्लस कौन सी लेनी है और माइनस कौन सी लेनी, जो टॉर्क ऊपर लगेगी वो प्लस, जो नीचे लगेगी वो माइनस, तो -600 और -400 डी, इसी तरह यहाँ पे देखो -400 डी -600, ठीक है। तो 400 डी को इधर ले आए, तो ये 2400 माइनस ये 2400 माइनस 600, 1800 रह गया, 400 से डिवाइड किया, 4.5 मीटर आंसर आ गया।